अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और अभी हम उठे हैं, रात को हमने कमरे में बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। वो लेकिन वो दिखा नहीं सके हम आपको, क्योंकि कैमरा बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक हो गया। और अभी हम लोग जो हैं इस टाइम सुबह उठे हैं, हमने दोबारा ड्रोन शॉट्स लिए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं ड्रोन शॉट्स। और ड्रोन शॉट लेने के बाद हमने अब नाश्ता करने के लिए सर्व होने वाले इंशाल्लाह, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह ये जी हम यहाँ पे नाश्ता करने लगे। ये चेक करें, यहाँ पे भी हम व्यू चेक करें माशाल्लाह। यह नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आप आगे कलाम के टूर पे ये व्यू चेक करें। शाम का दिखाया था व्यू मैंने आपको, ये सुबह का व्यू भी देख लें। आप सोच रहे होंगे सांस कितना आ रहा है, मैं आपको बताया था कि लोकेशन इस तरह की इतनी टॉप पे है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो सांस आ जाता है। ये देखें, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए। कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो अस्सलामुअलैकुम जी। जनाब आज हम पहुंच चुके हैं कलाम में, और कलाम में हम जा रहे हैं किसी आबशार के पास। वो अपने गाड़ी पार्क कर दी है और दोस्त मेरे आगे निकल चुके हैं, मैं व्लॉग के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गया हूं। आपको थोड़ा सा मैं व्यू पॉइंट दिखाता हूं। माशाल्लाह क्या खुदा की कुदरत है। उमर भाई मेरा वेट कर रहे थे। अच्छा मोबाइल का वेट कर, मुँह आई ना मुँह आई है। नहीं जी बड़ा पथरीला रास्ता है, और यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है यार, बॉस क्या रास्ता है वो देखें। जूम कर आपको दिखाता हूँ, वो आगे जा रहे हैं। ये उमैर भाई और अहमद भाई जरा पीछे पीछे आ रहे हैं, काफ़ी देर ट्रैकिंग करने के बाद साहब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम आबशार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, क्योंकि पानी सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी सांस चढ़ा हुआ है। व्यू आप देखे माशाल्लाह के एक ही वाह माशाल्लाह ही निकलता है जी। तो नाजरीन व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए ये एक आबशार मिली थी हमें, किसी ने हमें रास्ता बताया था कि यहाँ पे जाना है, लेकिन आपको पता है एज यूजुअल आपको पहले भी बताया हमारे पास की ये गेम ही नहीं है। बहरहाल जो हमारे साथ थे उनकी गेम है, वो देख सकते हैं आप। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमज़ा निसार भाई हसनैन और शजीब वहाँ चले गए हैं, लेकिन ये बंदा मेरे साथ ही है हमेशा से। हमारा एक ही मसला है, वी हेट ट्रैकिंग। हमें कोई उठा के ले जाए तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन हम भी हेट ट्रैकिंग। बहरहाल अभी आगे चले गए, हम लोगों ने यहीं रुकने का प्लान किया है कि ये लोग नाशा लें फिर हम वापस आ जाएँ, ठीक हो गया। बाकी व्यू चेक कर, वाह कलाम आए तो ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करें, अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं तो बहुत प्यारी जगह, बहुत बहुत खूबसूरत जगह। ये जी एज यूजुअल फिर वही बात, जगह देखता नहीं है और पहले ड्रोन निकाल के बैठ जाता है। ये लोग आगे इकट्ठे हो गए हैं, मेरा ख्याल है पहली बार ड्रोन देखा है, तो इनसे बात भी करते हैं और आपको दिखाते भी आ जाए। चलो जी, असल मेरा बहुत मुश्किल काम है, मान लीजिए ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट। असल में इन इलाकों में ज़्यादा उन्होंने लोगों ने ये टेक्नोलॉजी देखी नहीं होती, तो ये चीज़ उनके लिए ज़रा थोड़ी सी नहीं होती है, तो
तो दे आर वेरी सरप्राइज, तो देखते हैं जाके। ओ ये रखे, ये बंदा वहा ले रहा और खान साहब ठीक है। ओ तो फाइनली हम अपनी जो डेस्टिनेशन है पानी का फ्लो बहुत तेज है और पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। आज हमारे दो मेहमान इन्होंने हद पार करके पहाड़ों की चट्टानों के पत्थरों के ऊपर चढ़ गए। क्या बात है भैया, बब्बर शेर सलमान शाह और अर्तुरुल हमने देखना नहीं सर, आपकी उम्र के साथ मैं बस अपने सिर्फ ना मुझे एक दाने का वजन करवा रहा ना जी, अपना बंद करें जरा साइज। लो जी अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल। काफ़ी लंबा सफ़र था आज, हम एक वाटरफॉल पे गए थे, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ पे। उसके साथ साथ जो वीडियोस हैं आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। दूसरा ये कि दो दोस्त थे जो हमारे थक गए थे, उसके लिए उसकी वजह से हम दूसरी लोकेशन पे जा नहीं सके। तो अब ये हुआ कि फिर उसके बाद हम मारो ओडा कलाम में वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हमने माशाल्लाह शॉपिंग की है, सब ने ढेर सारी शॉपिंग की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ लिया है। पहले तो हमने लिए पत्थर वगैरह जो स्टोन्स होते हैं पहनने के लिए, फिरोज़ा याकूत नीलम रूबी वगैरह, तो ये शॉपिंग की हुई है। अब ये दिखाता हूँ सबको। शजीब भाई क्या हाल है, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए अब लड़ाई हो रही है, किसने क्या लिया था, किसका क्या है, ये टेंशन में पड़े हुए हैं। अहमद भाई मसला क्या हुआ है यार, वो कलर खराब गलत आ गया यार, ये तो कल चेंज करा लेंगे। अहमद भाई निसार भाई ये तो मुझे पता है, शॉल है दो चादरे हैं, मफरल्स हैं, और उसके बाद बोस्की के सूट भी हैं। बोस्की कितने, बोस्की कितने, 14 घोड़ा 8 घोड़ा 8 पाउंड बोस 8 नहीं 8 घोड़े 8 घोड़े सही तरह दसो ना 8 घोड़े जिन्हें नहीं समझ आया रख दे काफी चीजें हैं सारे। अब ये देखे मेरे ख्याल से ये बोस्की है, दिस वन। हाँ जी ये दोनों दे दिया उसने, ये मैं परेशान हो गया। शजीब भाई ये जरा शॉपर पकड़िएगा, ये बोस्की भी लिया माशाल्लाह, मतलब सामान इतना ज्यादा। मैंने भी शॉपिंग की है इधर, मैंने भी काफी ज्यादा शॉपिंग की है। मैं आपको अपनी सामान अपना सामान लाके दिखाता हूं। एक सिर यार कर लेते हैं दो मिनट, मैं आपको पत्थर भी दिखा दूं ना।
थोड़े से, क्योंकि बाकी उन्होंने अपने पत्थर रखे हैं, कुछ दोस्तों के यहाँ पे पत्थर है, ये देख रहे हैं, ये पत्थर भी है। बाकी उबैर भाई कैसा रहा शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपका? शॉपिंग बेहतरीन थी, मतलब के ना बड़ी सस्ती चीजें मिली और क्वालिटी एक्सीलेंट। मैंने एक तकिया लिया सबका, ये रजाई है, एक और अंदर पड़ी है, बेहतरीन रात को सोने के लिए बेहतरीन। ये मुझा भाई को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है क्योंकि मसलम साहिल ना पैदा हो। आपके लिए ना, अब इसके बाद करो इसका बॉस की गदर और एक ये पकड़ो, ये मेरी चीजें आ गई। क्या हो रहा साहब? बेहतरीन है ना, ये मैंने जो मदीन से खरीदा है तो यहाँ पे ये शॉपर में थी। हाँ बसरा